हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे अपने यूट्यूब चैनल टोटल हिस्ट्री आईक्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, खुशखबरी उन स्टूडेंट के लिए जो एमबीपीएससी प्री 2018 जिन्होंने दिया है, उसमें वैकेंसी फिर से बढ़ा दी गई है। एक बार और वैकेंसी बढ़ाई थी 20 तारीख को, और 21 तारीख को फिर से वैकेंसी बढ़ा दी गई है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। यदि ये न्यूज़ आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो आइए बात करते हैं। देखिए, जब 2017 में नोटिफिकेशन आया था तो लगभग क्या 202 वैकेंसी ही थी, ठीक है, और 106 के आसपास फॉरेस्ट में थी। 202 वैकेंसी थी सिविल सर्विस में। फिर 18 फरवरी को एग्जाम हुआ, 20 मार्च को फिर एक नोटिफिकेशन आता है, वो ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि वैकेंसी बढ़ेंगी, और 20 मार्च को 22 वैकेंसी इसमें बढ़ाई गई, और साथ ही 25 वैकेंसी जो फॉरेस्ट सर्विस था उसमें बढ़ाई गई। अब 22 वैकेंसी बढ़ाई गई तो इसके लिए भी हमने अपनी साइट अपनी चैनल पे एक वीडियो डाला है, उसको आप देख सकते हो। उससे कट ऑफ पे कितना अंतर पड़ेगा और कितने क्या स्टूडेंट और बुलाए जाएंगे। वैसे एक सीट पे हम आपको बता देना चाहते हैं 15 स्टूडेंट बुलाए जाते हैं, तो 15 का मल्टीप्लाई करोगे 330 स्टूडेंट और बुलाए जाएंगे मेंस के लिए, ठीक है। अब 21 तारीख को एक और नोटिफिकेशन आया जिसमें 10 सीट बढ़ा दी गई है। अब देखिए किस क्या पोस्ट बढ़ाई गई। जिला संयोजक, एक सीट अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। अनरिजर्व मतलब जनरल नहीं होता, केवल अनरिजर्व में कोई भी कैटेगरी आ सकता है, ठीक है। वाणिज्य एवं कर विभाग डिपार्टमेंट ये है। और दूसरी बढ़ाई गई है उप पंजीयक, इसकी 9 सीट बढ़ाई गई, जिसमें अनरिजर्व में 6 रखी गई हैं, एससी की 2, एसटी की 1, ओबीसी की नहीं है इसमें, ठीक है। और ये भी वाणिज्य एवं कर विभाग में, ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि मतलब इससे कितने क्या स्टूडेंट और अलग बुलाए जाएंगे। देखिए कितने क्या स्टूडेंट, देखिए 10 सीटें हैं बढ़ाई गई हैं, तो इसका 15 से मल्टीपल 150 स्टूडेंट और अधिक, यानी कि पहले पहले 200 लगभग 3,000 बुलाए जाते, तो अब लगभग ये दोनों को मिला के लगभग 480 स्टूडेंट और अलग से, मतलब स्टूडेंट को फायदा हुआ, जो स्टूडेंट 1-2 मार्क्स से रह जाते थे उनका हो जाएगा। अब इससे कट ऑफ पे क्या अंतर पड़ेगा, हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हमने अभी तक एमपीएससी की जो मेन कट ऑफ थे, फिर उसके बाद में आंसर की में सुधार किया गया, फिर उसके बाद में एक और नोटिफिकेशन आया जिसमें जगह वैकेंसी बढ़ाई गई। अब इसके बाद जो कट ऑफ है हम बात करते हैं। देखिए, अनरिजर्व का जो कट ऑफ रह सकता है वो 71 से ज़्यादा मुश्किल जाएगा इस बार, क्योंकि 2 बार संशोधन हो चुका है और लगभग 32 वैकेंसी बढ़ाई जा चुकी है, तो इसका असर तो रहेगा, काफ़ी असर रहेगा। एसटी का जो कट ऑफ 60 से नीचे ही रहने वाला है, और एससी का 64 से नीचे ही रहेगा लगभग, ठीक है, और ओबीसी का 68 के आसपास ही रहेगा। अब बात करते हैं फीमेल के में। फीमेल के कट ऑफ में आप कुछ नहीं, जो मेल का कट ऑफ है उससे लगभग 5 नंबर कम कर सकते हैं, तो जो ये फीमेल का कट ऑफ इतना रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, हमने ये आपको ये एमपीपीएससी ने जो एक नया नोटिफिकेशन जारी किया था 21 तारीख, उसके बारे में बताया। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।